से हम हिंदुत्व शब्द सुनते हैं तो हम सबके जहन में एक एक छवि उभर आती है, और एक बहुत ही एक्सट्रीम छवि उभर कर आती है, एक कट्टरपंथ की छवि उभर कर आती है। ये बस एक जीने का तरीका, ये एक बता रहे हैं कि अगर आप अपने आप को प्राउडली बोलते हो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं प्राउडली कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, उसमें अगर मैं अपने आप को प्राउडली हिंदू बोल रहा हूँ तो उसको कम्युनल मत कीजिए, वो भी सेक्युलर है ना। हिंदुत्व नाम आने से पूरे देश में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ में फिल्म के हीरो जो कि हिंदुत्व के इसमें अभिनय हिंदुत्व को इसमें प्रचारित कर रहे हैं और हिंदुत्व का एकदम ये चेहरा है उसमें, हमारे साथ में बताएंगे फिल्म के बारे में कि फिल्म कैसी और फिल्म क्या मैसेज दे रही है। नमस्कार, फिल्म है हमारी जिसका नाम हिंदुत्व है, 7 तारीख को आ रही है सभी सिनेमाघरों में। और जैसा कि हम आजकल समझते हैं ना कि जैसे हम हिंदुत्व शब्द सुनते हैं तो हम सबके जहन में एक छवि उभर आती है, और एक बहुत ही एक्सट्रीम छवि उभर कर आती है, एक कट्टरपंथ की छवि उभर कर आती है। एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसके आसपास इस तरह की छवि को क्रिएट किया गया है, और वही हमारी फिल्म है जो उस छवि को, उस छवि का, उस शब्द का सही सार सामने लाकर रखना चाहती है कि हिंदुत्व जो है वो कोई कट्टरपंथ नहीं, पर वो राष्ट्र के हित की एक आवाज़ है, और जो राष्ट्र के हित में होता है वो हमेशा सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की बात करता है। तो वही हमारी फिल्म भी करती है कि सबसे ऊपर वो राष्ट्रवाद को रखती है, और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। फिल्म में कैसी कहानी है, कैसा किरदार है आपका, आपका किरदार क्या है? जी, उसमें भरत शास्त्री है मेरे किरदार का नाम। एक टिपिकल मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में जैसे बच्चे बड़े होते हैं ऐसे ही वो बड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, और जैसे हमारे आजकल के युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में असमंजस में रहते हैं और कई सारी सोच विचारों से उनका सामना होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूलों में, और कैसे कुछ विचारधाराएँ उनके दिमाग में असर डालती हैं, कुछ नहीं डालती हैं, तो कैसे फिर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पनपते हैं और कैसे उनकी अपनी सोच पनपती है, वही ये फिल्म की कहानी है। दो दोस्तों की जहाँ पर दो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, और जब दो विचारधाराओं का टकराव होता है उससे एक नई विचारधारा का जन्म होता है, वही हमारी फिल्म कहते हैं। आप हिंदुत्व फिल्म में समीर सिद्दीकी के किरदार में नेगेटिव किरदार भी कह सकते हैं, हीरो के अपोजिट। हाँ, वैसे तो आप हीरो के अपोजिट जी, आप हिंदुत्व को लेकर क्या कहते हैं? मैं खुद, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा बड़ा हुआ हूँ और मैं एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ दिवाली, अगर आप समीर सिद्दीकी हैं, अगर आप समीर सिद्दीकी किरदार में रहकर, और फिर बताइए हिंदुत्व की परिभाषा आपके लिए कैसे? अब काफ़ी चेंज हो चुकी है मेरे दिमाग में समीर सिद्दीकी के दिमाग, अगर आप समीर सिद्दीकी के हिसाब से पूछेंगे तो मैं हमेशा ही अगेंस्ट था इस समीर सिद्दीकी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, कि समीर सिद्दीकी के हिसाब से मैं हमेशा अगेंस्ट ही था हिंदुत्व के या हिंदुओं के। मेरे को हमेशा लगता था एक एजेंडा है इसके पीछे, पर इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, ये बस एक जीने का तरीका। ये एक बता रहे हैं कि अगर आप अपने आप को प्राउडली बोलते हो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं प्राउडली कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, उसमें अगर मैं अपने आप को प्राउडली हिंदू बोल रहा हूँ तो उसको कम्युनल मत कीजिए, वो भी सेक्युलर है ना। हम इसी देश में रहते हैं, अगर हमारी 78% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, तो अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं हम हिंदू हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उस जैसे ही हम वो बोलना शुरू करते हैं लोग बोलते हैं कम्युनल है, तो वही चीज़ का जो एक नैरेटिव है हम उसको क्लियर कर रहे हैं। एज ए नागरिक अगर आप सोचें जी, तो ये फिल्म कैसी है कि इस समय के मौजूदा हालात की, और ये फिल्म कैसी है, क्या प्रभाव पड़ेगा देश में? एक बहुत ही नई, हम एक नया आइडिया लेके आए हैं, जैसे आपने ट्रेलर देखा, हमारे कमेंट्स भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो लोगों को एक उनका वो आई अवेकनिंग है, उनको भी अचंभित हुआ है कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी कैसे बना दी किसी ने। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर काफ़ी रील्स बन रही है, काफ़ी शेयर हो रहा है, कई दोनों विचार, जैसे जितनी विचारधारा है, ये आपका जो पोस्टर है काफ़ी शेयर हो रहा है। राइट, जैसा जो आप मैसेज देना चाहते हैं आपको वैसा शुरू से ही हो चुका है। हमारे पोस्टर से ही हमें वो रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हो गया था, यानी इसका मतलब ये साफ है कि लोग ये देखना चाहते हैं। जैसे अगर हम सब बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स आई, वो भी हम हिंदुओं के ऊपर ही आई, तो उसकी आपको क्या लगता है जो समाज में इस समय हो रहा है आप वो दिखा रहे हैं कि आप किसी एक कहानी को उठा के और समाज को दिखा? नहीं नहीं नहीं, जो समाज में अभी हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हो रहा है, उसी को दर्शा रहे हैं। हमने किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज को नहीं उठाया, पर एक पूरे इंडिया ऑल ओवर की बात कर रहे हैं हम। तो ठीक, ये जो हिंदुत्व मूवी के जो निगेटिव किरदार हैं समीर सिद्दीकी, तो समीर सिद्दीकी का भी कहना है कि देश में अगर कोई भी किसी धर्म में पैदा हुआ है तो उस धर्म के बारे में कह सकता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन में से हूँ या मैं बौद्ध से हूँ। इनका कहना है जो फिल्म है एंटरटेनमेंट के साथ, इसमें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। कैमरा मैन अविनाश के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल
NTTV भारत।